Understand you soon, it won't be long. Keep on keep running. नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको बहुत सारी लूट अटैक्स की वीडियोस मिल जाती हैं, जिसमें आपको खूब सारा लूटना मैं सिखाता हूं और कुछ वॉर अटैक्स भी मैं आपको दिखाता हूं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप नीचे जाओ यार, लाल बटन दिख रहा है उसको दबाओ, सब्सक्राइब बटन को और घंटी को भी बजा दो यार, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोज जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यार आज हम देखेंगे वॉर में अटैक, वो भी क्वीन चार्ज विद माइनस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, अटैक्स देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने फर्स्ट और सेकंड को टारगेट कर रखा है, और जो मेरी आर्मी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दो पैका रखे हैं, चार हीलर्स हैं और मेरी जो है 20 माइनस है। बाकी जो स्पेल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द बेस हैं। इसमें तीन हीलर्स तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यार माइनस को हीलर्स तो चाहिए ही होता है, आई मीन हील स्पेल तो चाहिए ही होता है। बाकी क्वीन चार्ज है इसलिए रेज है, वॉल ब्रेकर्स का यहाँ पे यूज नहीं है। चलिए देखते हैं बेस कैसा है और यहाँ बात करते हैं कैसे हम अटैक करेंगे आज। तो यहाँ यार बात ऐसी है कि क्वीन चार्ज से हमें सीसी भी पुल आउट करना होता है और हमें किसी तरह ईगल को भी ना मारना होता है। ईगल तो जो हम मार देंगे, कैसे मार देंगे मैं ये देख रहा हूँ कि यार पहले ये देख लो सीसी की रीच कहाँ तक है, मतलब मैं ईगल के आसपास भी अगर पहुंच गया तो सीसी निकालने का थोड़ा बहुत चांस है। हालांकि रिस्की है, टाइम कंज्यूम होगा, बट स्टिल देखते हैं क्या हो सकता है। और मैं आपको जरा बता दूं कि मैं कैसे सोच रहा हूँ अटैक करना। यहाँ पे यार मैं एक पैका छोड़ूंगा पहले तो, और यहाँ पे भी एक पैका छोड़ूंगा, ताकि जो है मेरा यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि एक फनल टाइप बने, ताकि मैं क्वीन को ना यहाँ पे छोड़ सकूँ बिल्कुल सेंटर पे। और ये जो आप कवर देख रहे हैं पूरा, ये क्वीन मार ले, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वीन इसको ख़त्म करेगी और जो हमारे पैका हैं वो फिर यहाँ यहाँ जाएँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर बाई चांस अंदर आ गए तो थोड़ा रिस्की तो होगा, बट मुझे पैका छोड़ते ही जो है क्वीन भी छोड़नी पड़ेगी। सेकेंडली जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं जंप है यहाँ पे छोड़ूं, ताकि जो है मेरी क्वीन यहाँ पे विजार्ड टावर को भी खा दे, मार दे मतलब, और फिर यहाँ से जंप यूज करके यहाँ बॉम टावर, मल्टी इन्फर्नो और ईगल को भी खत्म कर दे, और आगे भी आ ही जाएगा आराम से। जो मेरा ये है क्वीन जो है आगे भी आएगी, और इसमें क्या कहते हैं कि यहाँ बस सीसी का रिस्क लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ ना यार मतलब सीसी थोड़ा दूर पड़ सकता है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी इसके अलावा जो है ये देख रहे हो आप कि इसका जो है डिस्टेंस थोड़ा दूर है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सीज बैरक्स को छोड़ दूंगा, ताकि जो है यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है पैका क्लियर कर देगा, क्योंकि ज्यादा डिफेंसेस है नहीं जो पैका मैं छोड़ूंगा, है ना। और लेकिन यार रिस्की है थोड़ा सा, यहाँ भी दिक्कत तो पड़ जाएगी। नहीं यार सीज बैरक मैं छोड़ूंगा, यहाँ पे छोड़ेंगे, और हम जो है सारे के सारे माइनर्स जो है अपन छोड़ेंगे यहाँ से सारे माइनर्स यहाँ से छोड़ने पड़ेंगे। और कोई मुझे तरीका यहाँ पर देखने का, क्योंकि अगर मैं जो है अपनी जो क्वीन है वो यहाँ से छोड़ रहा हूँ, प्लस पैका प्लस यहाँ भी पैका, तो ये तो क्लियर हो रहा है, या तो मेरे पास ये साइड बचती है या तो ये साइड बचती है। सिंगल इन्फर्नो की साइड तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि पैका जो सीज बैरक से निकलेगा उसको सिंगल इन्फर्नो तो मार देगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सीज बैरक कहाँ छोड़े, कन्फर्म देख लेते हैं एक बार बेटर कहाँ होगा।
तो इससे बेटर मुझे लग रहा है हम जो है सीज बैरक को यहीं पे ही छोड़ देंगे यार, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यार करके देखते हैं क्या होता है, क्रॉस फिंगर्स, कुछ नहीं पता क्या होगा। आर्मी सारी रेडी है, पॉइजन भी है, तो अपन जो है अटैक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यार ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, तो पैका को थोड़ा दूर छोड़ते हैं, क्वीन जो है अपन इधर छोड़ देंगे, बस परफेक्ट। अपन जो है फिर अब यहाँ जंप डाल देंगे पहले, तो बढ़िया जा रहा है यार एकदम। सीज बैरक भी जो है अपन यहाँ छोड़ देते हैं, टेस्ला निकल गया वहां पर। वो पैका तो गया, ये पैका भी गया, यहाँ सीज बैरक से निकला। चलो देखते हैं यार क्या होता है, क्या कर पाते हैं अपन, कितना तोड़ पाते हैं। एक हीलर भी मार दिया, बताओ। अरे यार क्वीन कहाँ भाग रही है, टाइम 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 से। अपन को ना यार छोड़ना ही पड़ेगा, नो ऑप्शंस लेफ्ट, दो ही इस पहले ये भी ध्यान रखना, क्वीन तो बची हुई है, देखते हैं क्या होता है। दो स्टार भी आ जाए क्योंकि अपन के पास वो नहीं है यार, क्या कहते हैं उसको, ना तो वार्डन है ना तो किंग है, दो स्टार भी बहुत होंगे। मुश्किल ही है, दो स्टार तो हो जाएंगे आई गेस। क्रॉस फिंगर्स 100 मुश्किल है यार, ऊपर से मल्टी इन्फर्नो हो यार, ऊपर से किंग ने भी रोक लिया। ना ना चलो यार कोई नहीं, आई गेस किंग और वार्डन होता तो बात कुछ और होती है वहां पे। बट अटैक काफी बढ़िया लगा यार, होप सो आपको भी पसंद आया होगा। तो अपन जो है यार पहला अटैक तो कर चुके हैं, जो हमने क्वीन चार्ज विद माइनस करा था नंबर 2 पे, अब नंबर 1 पे भी मैं सेम अटैक करूंगा। तो यार ध्यान रहे मेरे पास ना किंग है ना वार्डन है, दोनों अपग्रेड पे, तो इस चीज का यार जरूर ख्याल कर लेना। मेरा मोटिव बस अटैक सिखाना है, बाकी 100% अपने आप हो जाएगी अगर आपकी पूरी आर्मी होगी तो, ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये अटैक भी, सेम सही बेस है यार ये भी, इसमें जो है सेम फंडा है। अपन जो है फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार स्ट्रेटजी, अपन पहले क्या करेंगे, सेम फंडा होगा यार यहाँ, इस पे हम पहले पैका छोड़ देंगे, यहाँ पे भी हम पैका छोड़ देंगे, तो ये साइडवेज चले जाएंगे पैकास, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी क्वीन को हम यहाँ सेंटर से फॉरवर्ड करेंगे, तो वो ये पूरा एरिया जो है कवर अप कर लेगी क्वीन, जैसे हम क्वीन को यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ का पूरा डैमेज लेके, फिर उसके बाद जो है हमको ध्यान से यहाँ पे जो है ये डालना पड़ेगा जंप, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही जंप डालेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रीच जो है सीसी की ठीक ठाक है, तो मतलब यहाँ पे जो है हम इजीली थोड़ा ट्रैक डाउन कर सकते हैं। पिछले अटैक में एक गलती ज़रूर हुई थी मुझसे, मैंने जो सीज बैरक है वो ना थोड़ा जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि यार ध्यान रहे सीज बैरक में हमने हॉक्स लिए हुए हैं, तो
उस पर मुझे एक अपना एक्स्ट्रा हील स्पेल जो है वेस्ट करना पड़ गया, और वो एक्चुअली पूरे वेस्ट हो गए हील स्पेल भी और हॉक्स भी। थोड़ा सा और लेट छोड़ना था मुझे, बट ठीक है वो 100 हो जाता अगर किंग और वार्डन भी मेरे पास होते तो। कोई चक्कर नहीं है यार, अपन इस अटैक में कोशिश करेंगे कि वो बेटर हो। तो वो वहाँ का फंडा तो क्लियर हो गया, अब हम क्या करेंगे कि कुछ टाइम बाद जब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और क्वीन अंदर जा चुकी होगी ईगल तक, हम यहाँ से सीज बैरक छोड़ देंगे। हमें यहाँ से सीज बैरक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान ये रहे कि सीज बैरक पे ये आर्चर टावर जो है अटैक ना करे, क्योंकि सीज बैरक की जो है टाइम के साथ अपने आप हेल्थ जो है कम होने लगती है। तो जब उसकी हेल्थ कम होने लग रही होती है, वैसे ही आर्चर टावर और उसकी हेल्थ जो है कम करने लग जाएगी अगर आपने पहले ही सीज बैरक डिप्लॉय कर दिया। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ का पैका जो है आ रहा होगा वो मर चुका होगा पहले ही, तो कोई चक्कर नहीं है इसको मार के अगर मर चुका होगा तो, क्योंकि जो इस आर्चर टावर की रीच है वो यहाँ तक है ही नहीं एंड तक। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे सीज बैरक छोड़ देंगे अगर ये वाली आर्चर टावर उस पैका ने मार दी होगी। उसके बाद का जो फंडा है वो ये है कि अपन जो है सारे माइनर्स ना यहाँ से डिप्लॉय करेंगे, सारे 29 के 29 माइनर यहाँ से डिप्लॉय करेंगे। और हमारे पास 3 हील स्पेल होंगे, और यहाँ से हमें पता है कि सीज बैरक से हॉक भी निकलेंगे। पीछे का डिफेंस जो है ऑलरेडी क्वीन संभाल रही है वहाँ पे जो है, और यहाँ पे जब हॉक्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हील स्पेल डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ध्यान रहे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे एक हील स्पेल डालेंगे, क्योंकि ये मल्टी इन्फर्नो है तो एक ही बार में जो है सारे हॉक्स पे डैमेज देगा। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं सिर्फ अंदर अंदर डिफेंस है, तो हम सिर्फ सेंट्रल पार्ट से यहाँ से ही हॉक माइनस को जो है डिप्लॉय करेंगे, ताकि एक साथ सारी आर्मी यहाँ से जा रही हो और यहीं पर हमें जो है हील स्पेल दूसरा जो है डालना पड़े और तीसरा आगे डालना पड़े, ऐसी फॉरवर्ड आगे तक जो है हम, ताकि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि 3 तो हील स्पेल ही तैयार, अगर यहाँ पे तो 2 यूज़ होंगे कुछ भी कर लो, ठीक है। ये वाला अगर यूज़ नहीं होता है तो इसको हम आगे यहाँ कहीं यूज़ कर सकते हैं, मल्टी इंटरनों पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा जो है फंडा रहने वाला है हमारे इस अटैक में। तो चलो देखते हैं यार करके कि कैसे करते हैं और कैसे का रिजल्ट निकलता है बिना किंग और वार्डन के। बस सारी आर्मी रेडी है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ रेडी है गाइस, सो लेट्स बिगिन। 1 2 3 होप फॉर द बेस्ट। तो अपन अब यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, और जैसा कि हमने प्लान किया था पहले पैका यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से छोड़ेंगे। तो यार वहाँ से वो निकल गया, क्या कहते हैं उसको, चलो वो तो टेस्ला मार दी इसने, यहाँ बस ख़त्म कर दे, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ तो इसकी हो जाएगा यार। और जो आर्चर टावर गया, चलो ठीक है, एक ये रह गया यार, क्या कहते हैं उसको, कैनन रह गई। अपन जो है अब सीज बैरक पर डिप्लॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है अपन क्वीन तो ख़त्म हो गया है, ये दिक्कत पड़ गई है यहाँ पर। चलो कोई नहीं, जैसा प्लान किया था वैसे ही चलेंगे। एक ना यहाँ पर डाल देता है तो उसको पता नहीं कब आता है, गड़बड़ी गड़बड़ हो गया है, आधे माइनस वहाँ जा चुके हैं और यहाँ स्प्रिंग ट्रैप से भी ख़त्म हो गए। मत यार, यहाँ तो 2 स्टार भी नहीं आएंगे मुझे लग रहा है, 2 स्टार भी मुश्किल है भाई, गड़बड़ हो गई यार। एक तो क्वीन भी पहले गई,